लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल 1 जून को सामने आ गए। लगभग सभी एग्जिट पोल में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को भारी बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि असल में किस दल को कितनी सीटें मिली हैं इसका फैसला तो 4 जून को सामने आ ही जाएगा, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर एक हवाई यात्रा का बोर्डिंग पास वायरल है। बोर्डिंग पास पर यात्री का नाम राहुल गांधी दिख रहा है। यात्रा की तारीख 5 जून 2024 लिखी है, जो कि दिल्ली से बैंकॉक की है। इसे शेयर करके कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 5 जून की बैंकॉक की टिकट बुक करा ली है। फेसबुक पर रूबी शर्मा नाम की एक यूजर ने वायरल बोर्डिंग पास को शेयर करते हुए लिखा, क्या लगता है राहुल गांधी बैंकॉक जा रहे हैं 5 जून को। वहीं फेसबुक पर पंकज कुमार यादव नाम के एक यूजर ने लिखा, कान खुलकर सुन लो, राहुल गांधी इटली भाग रहे हैं 5 जून को। ऐसे इंसान पर भरोसा करते हैं जो अमेठी छोड़कर भाग गए। यही नहीं, ट्विटर पर भी कई यूजर्स ने बोर्डिंग पास को शेयर किया है। तो आखिर वायरल बोर्डिंग पास की सच्चाई क्या है? क्या सच में वायरल हो रहा बोर्डिंग पास राहुल गांधी का है? तस्वीर को लेंस से खोजने पर हमें लाइव फ्रॉम लाउंज नाम की वेबसाइट पर अगस्त 2019 में छपा एक लेख मिला। इस लेख को वेबसाइट के संपादक अजय अवतानी ने लिखा था। उन्होंने अपनी सिंगापुर यात्रा का अनुभव शेयर किया है। इसमें वायरल हो रहे बोर्डिंग पास से मिलता जुलता बोर्डिंग पास नजर आया। दोनों बोर्डिंग पास में कुछ चीजें एकदम सेम है, जैसे गेट नंबर, बोर्डिंग का समय और सीट नंबर दोनों बोर्डिंग पास पर एक ही है, लेकिन यात्री का नाम, डेस्टिनेशन और यात्रा की तारीख अलग है। असल बोर्डिंग पास में यात्री का नाम अजय अवतानी लिखा है, जिन्होंने सिंगापुर के लिए विस्तारा की फ्लाइट 6 अगस्त 2019 के लिए बुक की थी। हमने अजय अवतानी से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के नाम से वायरल हो रहा बोर्डिंग पास एडिटेड है। अजय ने बताया, असल में ये बोर्डिंग पास की फोटो मैंने ही क्लिक की थी जब विस्तारा से अगस्त 2019 में दिल्ली से सिंगापुर के लिए पहली इंटरनेशनल फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू किया था। राहुल गांधी के नाम से वायरल हो रहा बोर्डिंग पास एडिटेड है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के नाम से वायरल बैंकॉक का एडिटेड बोर्डिंग पास भ्रामक दावे के साथ शेयर किया गया है। असल में बोर्डिंग पास 5 साल पुराना है, जिसे अजय अवतानी ने दिल्ली से सिंगापुर के लिए बुक किया था। इस वीडियो में इतना ही। ये पड़ताल आपके लिए की थी हमारे साथी शुभम ने। देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहे ललन टॉप पर। शुक्रिया।